गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और गर्मी तो राजनीतिक गलियारों में भी बढ़ चुकी है। सभी पार्टियां पूरी शिद्दत से सरकार बनाने की कोशिश में जुट गई हैं। हर पार्टी हर वो पैंतरा अपनाने को तैयार है जिसमें उन्हें ये लगता है कि उन्हें जीत मिल जाएगी। चुनाव में पार्टियों ने पूर्व मुख्यमंत्रियों पर भी बड़ा दावा खेला है। आपको बता दें कि इस बार 22 पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से बीजेपी ने 11 तो कांग्रेस ने 5 चुनावी मैदान में उतारे हैं। आपको बता दें कि 7 चरणों में ये लोकसभा चुनाव होने वाला है। पार्टियों ने इस बार जीत की जिम्मेदारी उन कंधों पर सौंपी है जो राज्य का दायित्व भी कर चुके हैं। अगर उन मुख्यमंत्रियों की बात करें तो उनमें खुद नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है जो 2001 से 2014 तक शामिल रहे। राजनाथ सिंह का भी नाम शामिल है जो 2000 से 2002 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान जो कि 2005 से 2018 और फिर 2020 से 2023 तक एमपी के मुख्यमंत्री रहे। मनोहर लाल खट्टर, अर्जुन मुंडा, जगदेश शेट्र, बसवराज बोनी, त्रिवेंद्र सिंह, एचडी कुमार स्वामी एंड नल्लर किरण कुमार रेड्डी, सरबंत सोनोवाल, विपल कुमार, ओ पनीर सेवाल, जीतन राम मांझी और कांग्रेस की बात करें तो दिग्विजय सिंह और भूपेश पटेल का नाम शामिल है। इसके अलावा अमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, चरणजीत सिंह, गुलामी आजाद, नाम तुकी, वी वेट लिंगम, ये दोनों भी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 7 चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को होंगे। चुनाव का परिणाम 4 जून को घोषित किया जाएगा। केंद्र में सरकार बनने के लिए किसी पार्टी का गठबंधन को 272 सीटों से जीतना जरूरी है। 2019 के पिछले चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें हासिल की जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने 52 सीटें हासिल की।